एक समय था जब देश भर में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का नाम सबसे ऊपर आता था। मलेरिया से हो रही मौतें एक बड़ी चुनौती थी। इसका कारण क्या था? कारण था न समय पर जांच, जांच नहीं तो दवाई नहीं, और दवाई नहीं तो इलाज नहीं, और इलाज नहीं मिलने से मरीज की जान पर बनाती थी। भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद सबसे पहला कदम जांच की ओर बढ़ाया गया। मूल मंत्र ही एक था, अधिक से अधिक जांच, सर्वाधिक जांच, मामले को पहचानिए और समय पर इलाज। ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर पगडंडियों से नदी नाले जंगलों को पार करते हमारे स्वास्थ्य अमले उन जगहों पर पहुंचे जहां दशकों से इलाज के नाम पर एक दवाई तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब हमारा स्वास्थ्य अमला सुदूर जंगलों, यहां तक कि धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी पहुंच रहा है। इसी का असर रहा कि पिछले 4 सालों में मलेरिया के मामलों में 62% तक की गिरावट दर्ज की गई। मलेरिया उन्मूलन में तीसरे दर्जे में आने वाला राज्य आज अव्वल दर्जे पर है। अब मलेरिया मुक्त अभियान का 6ठा चरण शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत 90 लाख मच्छरदानियों का निशुल्क वितरण पूरा हुआ। घर घर दस्तक दे रही स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक 7.5 लाख से अधिक घरों में दस्तक दे चुकी है। 44 लाख लोगों की मैनुअल मलेरिया जांच और पॉजिटिव मरीजों का मौके पर इलाज सुनिश्चित किया जा चुका है। यही कारण है कि 4.60% मलेरिया पॉजिटिव दर अब गिरकर 0.21% पर आ चुकी है। मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले जिले बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर अब मलेरिया से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इलाज घर पहुंच रहा है, जागरूकता की पहुंच जंगलों के भीतर तक है, विश्वास की छांव में सुरक्षा की चादर ओढ़े हर छत्तीसगढ़िया अब खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यही तो है छत्तीसगढ़ मॉडल। भूपेश हैं तो भरोसा है।